सो है गाइस, तो आज हम लोग बताएंगे जो 2023 टॉप 5 अपकमिंग बाइक इन इंडिया। तो ये जो बाइक है ना, बहुत ही अच्छा खासा बाइक है। साथ में बताएंगे प्राइस, माइलेज, टॉप स्पीड, सारे कुछ सब कुछ यार डिटेल्स बताएंगे। सो गाइस, अभी तक वीडियो के अंदर लाइक नहीं किया तो वीडियो के अंदर लाइक करो, चैनल के अंदर नया हो तो ऑब्वियसली चैनल को भी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के पास वीडियो को जो है शेयर करो। और आपका फेवरेट बाइक कौन सा है, आपका ड्रीम बाइक कौन सा है, वो भी गाइस कमेंट करके बता देना। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस जो मेन जो बात है, हमारा चैनल के अंदर यार बहुत जल्दी यार 300 के सब्सक्राइबर होने वाला है, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करके 300 के सब्सक्राइबर करा दो। आज आप लोग बताएंगे जो 2023 टॉप 5 अपकमिंग बाइक इन इंडिया। तो ये जो बाइक है ना, बहुत ही अच्छा खासा बाइक देख सकते हो। सबसे पहले गाइस ये पे अपकमिंग बाइक को लेके, नाम को लेके बात करेंगे तो पे होंडा CBR 250 RR। तो ये जो बाइक है ना, इनलाइन 2 सिलेंडर के साथ देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा खासा इंजन भी देखने को मिलेगा। इंजन कैपेसिटी को लेकर यहाँ पे बात करेंगे तो 249 cc लिक्विड कूल 8 वाल्व का लोग यहाँ पे इंजन देखने को मिलेगा। और बाइक के अंदर यूज किया इनलाइन 2 सिलेंडर का इंजन। और साथ में तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो 6 स्पीड गियर बॉक्स सिल्वर क्लास के साथ देखने मिलेगा। बाइक का BHP को लेके बात करेंगे तो 40.2 BHP साथ में 13,000 RPM के साथ। इसका जो प्राइस है ना गाइस, बहुत ही अच्छा खासा प्राइस है, 3.5 लाख ऑन रोड प्राइस इंडियन मार्केट के अंदर। और ये जो बाइक है ना, बहुत ही जल्दी इंडियन मार्केट के अंदर कमिंग सून आ रहा है। उसके बाद नंबर 2 को लेके बात करेंगे तो ये जो हमारा इंडियन का ही ब्रांड है, इंडियन का ही कंपनी है, बजाज पल्सर RS 400। तो ये भी एक बढ़िया बाइक है। इसका अंदर भाई जो इंजन उसके डोमिनार 400 के अंदर तुम लोगों को जो इंजन देखने मिलेगा, सेम टू सेम इंजन RS 400 के अंदर भी देखने मिलेगा। बट इसके अंदर तुम लोगों को क्या चेंजेस देख सकते हो, एक ही चेंजेस देखने मिलेगा। डोमिनार 400 के अंदर क्या होता है, BHP गाइस यहां पे बहुत ज्यादा कम देखने को मिलेगा, बट RS 400 के अंदर इंजन को थोड़ा मॉडिफाई करके यहां पे BHP गाइस ज्यादा कर दिया, क्योंकि गाइस RS एक रेसिंग बाइक है, इसलिए ये इंजन का BHP ज्यादा करने पड़ा। इंजन कैपेसिटी को लेकर बात करेंगे तो यहां पे 373 cc लिक्विड कूल 4 वाल्व का यहां पे इंजन देखने मिलेगा। और BHP को लेकर बात करेंगे तो 40.5 BHP देख सकते हो, साथ में यहाँ पे 8,800 RPM के साथ देखने मिलेगा। और बाइक के अंदर तुम लोग को देख सकते हो 6 स्पीड गियर बॉक्स स्लीपर क्लास के साथ देखने मिलेगा। तो RS 400 का प्राइस को लेके बात करें 2.7 लाख एक्शन प्राइस है, ऑन रोड प्राइस को लेके बात करें तो 3 लाख का ऊपर जाएगा RS 400। तो गाइस कौन कौन गाइस RS 400 के लिए गाइस वेट कर रहे हो, वो भी गाइस कमेंट करके बता देना। नंबर 3 को लेके बात करेंगे तो यहाँ पे यामा R15 V5। तो ये भी एक बढ़िया बाइक है, क्योंकि गाइस बहुत दिन बाद यार यामा ने कुछ यार बहुत बड़ा अपडेट लेके आया। क्या अपडेट लेके आया, यहाँ पे यामा R15 V5 के अंदर सीधा इंजन ने 200 cc का कर दिया। और यामा का जो इंजन है ना गाइस, बहुत ही अच्छा खासा इंजन देखने को मिलेगा। इसका परफॉर्मेंस आप लोगों बहुत ही अच्छा खासा देख सकते हो। इंजन कैपेसिटी को लेके बात करेंगे तो यहाँ पे 199 cc लिक्विड कूल 4 वाल्व का यहाँ पे इंजन देखने को मिलेगा। और बाइक के अंदर BHP को लेके बात करेंगे तो यहाँ पे 25.5 BHP साथ में 10,000 RPM के साथ। और ये जो बाइक है ना, अपसाइड डाउन फॉक्स एंड यहाँ पे गाइस बहुत सारा कुछ यार अपडेट देखने को मिलेगा। और यामा जो R15 जो V5 है ना, इसके अंदर तुम लोगों को शिफ्ट ट्रैक्शन कंट्रोल सारे कुछ इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स देखने को मिलेगा। और बाइक का प्राइस को लेकर बात करेंगे तो ये 2.2 लाख एक्शन प्राइस है, अंडर प्राइस अंडर 2.7 लाख के अंदर आ जाएगा इंडियन मार्केट के अंदर। नंबर 4 को लेकर बात करेंगे तो ये KTM ड्यूक 125 LED लाइट। तो ये जो बाइक है ना, ये भी तुम लोग को देख सकते हो LED हेडलाइट के साथ। अगर तुम लोग को ये बाइक को मॉडिफाई करना है, ड्यूक 125 को 390 बनाना है, तो भाई मेरे चैनल के अंदर जाओ, एक वीडियो है जो वीडियो को देख के तुम लोग को समझ आ जाएगा जो KTM ड्यूक 125 को कैसे हम लोग 390 बना सकता हूँ। आप लोग भाई ऐसा को सर्च करो KTM ड्यूक 125 मॉडिफाई बाइकर बाय रासेल, सबसे पहले मेरा वीडियो आ जाएगा, वो वीडियो को एक बार देख लेना। तो ये जो बाइक है ना, KTM ड्यूक 125 LED हेडलाइट के साथ आ रहा है, बहुत जल्दी भाई आएगा, ये बाइक कमिंग सून है। नंबर 5 को लेके बात करें तो यामा R125। तो ये जो बाइक है ना, ये भी यार बहुत ज्यादा अच्छा खासा बढ़िया बाइक है। इसके अंदर तुम लोग देख सकते हो इंजन कैपेसिटी को लेके बात करें तो यहाँ पे 124 cc लिक्विड कूल 4 वाल्व का यहाँ पे इंजन देखने को मिलेगा। और बाइक का BHP को लेके बात करें तो 15 BHP साथ में 10,000 RPM के साथ। और ये जो बाइक का प्राइस है 1.3 लाख एक्सट्रीम प्राइस है, 1.7 लाख के अंदर ऑन रोड प्राइस आ जाएगा इंडियन मार्केट के अंदर। सो गाइस इससे भी सबसे ज्यादा बढ़िया बाइक आपका कौन सा लगा, वो भी गाइस कमेंट करके बता देना। अगर आप लोग को ज्यादा सीसी का बाइक चाहिए तो आप लोग भाई RS 400 के अंदर एंड नहीं तो होंडा CBR 250 R के अंदर जा सकते हो। अगर आप लोगों को लो बजट का बाइक चाहिए, माइलेज वाला बाइक चाहिए, तो आप लोग भाई यहाँ पे R125 एंड KTM ड्यूक 125 के अंदर जा सकते हो। तो आपका जो आज का वीडियो कैसा लगा, ऑब्वियसली एक बार भाई कमेंट करके बता देना। सो गाइस चलो आज का वीडियो इतना ही, एंड टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।